करना पड़ता है, 3 साल हो गया है ग्रेजुएशन क्लियर हुए, अब नौकरी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, अब यही बफेलो का बिजनेस किए हैं, एक भैंस यहाँ पे है और 7 गो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं MBA दूध वाला से आप लोग को मिलाने वाले हैं, जो भैंस को दूहेंगे ये बताएंगे आपको कैसे दूहना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बछड़ा है, इसको दूहने से पहले खोला जाता तो इसको परू कहा जाता है, जिस जो पन्हाता है क्या होता नहीं होता ये आपको दूध वाला बताएगा। MBA दूध वाला है, MBA दूध वाला है, मास्टर ग्रेजुएट है, दूध से काफ़ी एक्सपीरियंस है इसका। अकाउंटेंट है मैं। हाँ, कितना दिनों का एक्सपीरियंस आपको दूहने का? हमको दूहने का अभी लगभग 3 साल से हम मैं भैंस दूह रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या हुआ, पन्हा गया? अभी पन्हा गया है भैंस, देखिए अभी पन्हा गया। देखिए तुरंत परू को खींच लिया, जैसे उसको पता चल गया कि अब कुछ ना कुछ हो गया है, अब दूहने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। अब भैंस को यहाँ पे देखिए, बांध देता है इसलिए कि उछले नहीं, जिसके कारण आसानी से आप इसको दूह सकते हैं। अब ये उछलेगा नहीं, अभी ये दूध वाला का दूहने का दूहने का भी तरीका अलग है, सिर्फ लगता है MBA जैसा, MBA जैसा है, मास्टर ऑफ जो है ना, सब कुछ का मास्टर, सब चीज का मास्टर है, मतलब काफी एक्सपीरियंस है, 3 साल आपको बताया ही। कैसे करते हैं इसको, जोर से या धीरे से? अभी करना पड़ता है, 3 साल हो गया है ग्रेजुएशन क्लियर हुए, अब नौकरी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, अब यही बफेलो का बिजनेस किए हैं, एक भैंस यहाँ पे है और 7 गो भैंस बाध में। ओ, 8 गो भैंस रखे हैं आप? 8 गो भैंस है, 7 गो बाहर में खेत में है। हाँ, अभी खेत में चरने के लिए गया है। अच्छा, इसका भैंस को दूहेंगे, इसके बाद डेयरी पे ले आएंगे। डेयरी में कैसा रेट चल रहा है आजकल? डेयरी में अभी 50 रुपया चल रहा है। 50 तो अच्छा खासा रेट नहीं? अभी भैंस बकेन हो गया, इसको बकेन कहते हैं। बकेन मतलब क्या होता है? बकेन मतलब बच्चा देने के 6 महीना बाद यदि हो गया, बच्चा दिया हुआ तो बकेन को बोलते हैं भैंस। उसका दूध मोटा हो जाता है ना? इसका दूध खाने में अच्छा लगता है। इसीलिए महंगा रेट से चल रहा है नहीं? देखिए रोजगार नहीं है, MBA दूध वाला को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, जैसे ग्रेजुएट चाय वाला को सपोर्ट करते हैं उसी तरह थोड़ा MBA दूध वाला को भी सपोर्ट कीजिए। कितना टाइम लगेगा आपको धोने में? धोने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में खींच देते हैं पूरा? 5 मिनट में अभी 5 किलो भैंस का दूध निकाल देंगे तुरंत। एक्सपीरियंस काफी हो गया जिसके कारण दूध खींचने का एक्सपर्ट देख रहे कितना रफ्तार से खींच रहा है, मतलब काफी एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद दूध दुहा जाता है, देखिए। नीतीश, अच्छा निकलेगा, फॉर्म भरवाने का बात नहीं है, दूध दुहिए। फ्रस्ट्रेट हो गए, MBA करके जो बैठा हुआ ग्रेजुएट है 3 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। MBA दूध वाला से सीखे आप लोग किस तरह से दूध दुहा जाता है, तब यही दूध ग्रेजुएट चाय वाली जो है लेकर के चाय बेचता है। यही जड़ तो यही है, जड़ तो MBA वाला ही है, MBA दूध वाला ही जड़ है। अब यहाँ से ग्रेजुएट चाय वाली को मिला जाएगा दूध, तब जा करके चाय बनेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है आपको, काफ़ी तेज दूध हैं आप, देख सकते हैं किस तरह का फ्रेश दूध है, एकदम ताज़ा शुद्ध दूध है, इसमें पानी तानी कुछ नहीं है। अभी दिखाएंगे आपको फ्रेश दूध जब दुहा हुआ हो जाएगा, दिखाएंगे किस तरह से, काफ़ी एक्सपीरियंस है, लंबा अनुभव रहा है इनका भी। रोजगार मिलेगा तो दूध दूहते रहिएगा कि नहीं? रोजगार मिलेगा तब ना, पहले रोजगार इधर निकल कहाँ रहा है, इधर फॉर्म देख रहे हैं कहाँ निकल रहा है, कोई आर्मी का फॉर्म भी इधर 1 साल से नहीं दिया है, SSC और का देता है, कम नहीं देता है उसमें। हाँ, ये भैंस का क्या नाम है? देवनंदिनी। भैंस का नाम देवनंदिनी है, देवनंदिनी भैंस है ये। बकरी का नाम रूपा है, बकरी जो ये बकरी जो यहाँ देख रहे हैं आप, इसका नाम है रूपा। काफ़ी हसमुख बकरी है, बहुत तगड़ा है। ये जो इसका बच्चा है रूपनंदिनी का, राजनंदिनी है। यहाँ पे हमारे भैया डायरेक्शन देते हुए कैसे दूहना है, कहाँ शिक्षित बेरोजगार, ये भी BED किए हुए हैं, 7वां चरण के इंतजार में है, नहीं तो अब तक 7 फेरा हो जाता इनका। चलिए दूहिए आप, थोड़ा देर और टाइम लगेगा, उसके बाद दिखाएंगे। वहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किसान हल जोत रहा है, साइड में ही हमारे कुछ पड़ोसी गण ही हैं, आपको दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे आप किस तरह से हल जोत रहा है। 2 बड़ो है, डॉक्टर साहब भी हैं गाँव में, वो डॉक्टरी भी करते हैं, मगर कुछ नया डॉक्टर आ जाने के कारण उसका भट्टी बैठ गया है, जिसके कारण खेत जोतना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह का हरा माहौल, यहाँ
यही है, फार्मर सबका हरा भरा माहौल हर हमेशा रहता है, जिससे मन भी लगा रहता है। बाहर में तो आप देखेंगे इतना हरा भरा माहौल तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूध लिए आप क्या? यहाँ दूध लिए हैं। अब इसको देखिए, ये बछड़ा है, इसको अब खोल दिया जाएगा, जो बचा खोचा होगा उसमें वो ये पी जाएगा। बचा नहीं, तीन चिमड़ा को मैंने दुहा, एक बच्चा के लिए छोड़ दिया। हाँ, एक बच्चा के लिए छोड़ दिया है, बच्चा भी अब मतलब है कि एकदम एडजस्ट हो जाएगा इसी में। दिखाइए तो कैसा दूध है एकदम, देखिए इधर फ्रेश में, ये फ्रेश में ये शुद्ध देहाती है। हाँ, ये देख रहे हैं किस तरह का बेहतरीन लग रहा है, मोटा है, ये खाने में जो मज़ा आता है इसका कोई जोड़ नहीं। 60 रुपया केजी के हिसाब से, 60 रुपया केजी के हिसाब से चलेगा। ये देखिए दुहने के बाद ये किसको देते हैं? भगवान को चढ़ाया गया, भगवान को थोड़ा सा सूर्य भगवान को चढ़ा दिया जाता है इसी खुट्टा और पे जिसमें बांधा जाता है। अब एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का दुहने का आपका? मेरा तो ये सब दिन का रूटीन है। रूटीन है ना, नॉर्मल चलता है। हम लोग को थोड़ा बड़ा लग रहा था, सोच रहे थे आप लोग तो बाहर से आए हैं तो दूसरी तरह लगता है, मेरा तो नॉर्मल रूटीन है, रोज दूते हैं ऐसे। यही तो एक छह गो भैंस और बचा हुआ, छह को आज दुहिएगा, परु को दुहिएगा, परु को नहीं दुहिएगा? नहीं नहीं, तो अभी बड़ा हो गया है, एक से दो साल में बच्चा देगा तब उसको भी दुहेंगे। चलिए ये भी कुछ ना कुछ, छह गो भैंस जो है उसको वो एगो कामत है वहाँ पे है, उसको धो के वो डैडी चल गया है। ओ भैंस का देखिए ऐसा कामत है, यहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ पे ये सोते किसान है, एमबीए दूध वाला, एमबीए दूध वाला पढ़ते भी हैं ये बुक, और देख सकते हैं आप स्टॉल है इसका, और इतिहास का बुक दिखा दीजिए, इतिहास का देखिए, अभी बीपीएससी की तैयारी में भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं भारतीय राजनीति। चार्जर सेटिंग इनका देखिए एकदम देसी फंडा है पूरा, देखिए वहाँ पे लगा हुआ मोबाइल भी लगा हुआ है इनका है, देखिए यहाँ पे चार्जिंग में भी काफी ड्रीम इलेवन भी खेलते हैं, उसमें एमबीए वाला आगे है, एमबीए वाला काफ़ी आगे है क्रिकेट देखने में। यहाँ कुटी कट्टा मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुटी होता है, यहाँ पे इसी का तैयार किया जाता है फसल। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे एमबीए दूध वाला सक्सेस हो, काफ़ी गरीब है। एमबीए चाय वाला वीडियो वायरल हुआ उसी तरह एमबीए दूध वाला को वायरल कीजिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं जा रहा हूँ अब डेयरी पर, ठीक है।